हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? सो कल है सरस्वती पूजा, सो हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। सो कुछ ना कुछ घर में मीठा बनेगा आज, है प्रसाद। एंड क्योंकि हनी बनी का लास्ट ईयर ही सरस्वती पूजा में हमने जो पढ़ाई का शुरुआत जो करते हैं ना, वो अक्षर लिखा था तो वो किया था। तो इस साल भी जीत नहीं रहेंगे, कल उनका कुछ काम है, वो रसल खेमा जा रहे हैं तो वो कल नहीं रहेंगे, वो फ्राइडे को ही आएंगे। तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कुछ प्रसाद बनाऊंगी भोग लगाने के लिए। तो उसके लिए मुझे नए बर्तन की ज़रूरत थी, जो मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने अमेजोन से कुछ आज ऑर्डर किया था, तो मैं वो निकाल रही थी अभी कल बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अमेजोन का जो हॉल है आज ही शेयर कर लूँ। बहुत दिनों से पेंडिंग है कि मैं बोल रही हूँ कि अमेजोन वाला हॉल शेयर करूँगी। जब मम्मी आई थी तो मम्मी के साथ भी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी अमेजोन से, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर की थी। अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड ये सब जो है ये मैं पापा मम्मी जब आ रहे थे तब मैंने ऑर्डर किया था। तो किसी का प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि एक महीना हो गया है मैंने ऑर्डर किया था, एंड पापा मम्मी को आते आते भी 16-17 दिन हो गए, तो मुझे याद नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती। मैं सबका प्राइस एंड उसका जो अच्छे से फ़ोटो है यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, अपने पैसे से सब कुछ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये एक हॉटकेस मंगवाया, हमारा जो हॉटकेस था वो ख़राब हो गया था, तो ये जो ये टच वाला होता है ना, तो ये मैंने एक ऑर्डर किया है वहाँ से। ये बस प्रेस करने से बंद होता है एंड ये यहाँ से पुश करने से ये ओपन होता है। ये एक्चुअली जब मम्मी आई थी तभी मैंने ऑर्डर कर दिया था, बट मैं लास्ट टाइम दिखाना भूल गई थी। तो ये एक है, इसका प्राइस भी मैं बताऊँगी बाद में, जब कुछ भी याद नहीं है। देन मैंने ये एक इडली मेकर मंगवाया है। मेरे पास ऑलरेडी स्टील का एक इडली मेकर है, बट ये जो है ये नॉनस्टिक का है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है, ये 5 लेयर है इसमें, इसमें 3 लेयर्स भी मिल रहा था। इसका पूरा सेट जो मतलब पूरा जो कुकवेयर है ना वो भी मिल रहा था जो बर्तन के साथ में, तो बट मैंने खाली ये मेकर ये लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो स्टील का है और ये तो किसी भी कुकर में हो या बड़े से बर्तन में आराम से आ जाएगा। तो मैंने खाली ये वाला मंगवाया है, 5 है, एक में 4, तो अच्छा है। उसके साथ में ये जो उसको रिमूव करने के लिए एक दिया है एंड जो स्क्रबर दिया है, तो ये हो गया। एंड मैंने एक ये है वॉन्डर शेफ का एक सेट मैंने मंगवाया है वॉन्डर सेट का, तो ये है उसका जो ग्रेनाइट वाला जो बोलते हैं ना वैसा वाला है, क्या लिखा होता है इसमें, हाँ ग्रेनाइट सेट ये, ठीक है। तो ये कढ़ाई टाइप का ही है, कढ़ाई टाइप का है एंड उसके साथ में है उससे छोटा एक थोड़ा पैन, ये है पैन वॉन्डर सेफ का। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, मैंने ये वाला कलर लिया है एंड एक तवा, मुझे तवा बहुत पसंद आया तो एक ये तवा लिया है। इसमें एक ये है कि यहाँ पे देखिए ये ऐसे जो ऊपर ऐसे थोड़ा है ना, शायद ये जो पोर्शन हमेशा जब हम लोग कुकिंग करते हैं ये वाला पोर्शन जो होता है पहले ब्लैक हो जाता है, मतलब तेल के छिटके लग लग के, तो शायद इसमें खराब ना हो, पता नहीं। एंड ये तीनों का ही एक ही ढक्कन दिया है, एक ही लीड है, ये तीनों में ही ये फिट आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सेट मैंने लिया है एक वॉन्डर सेफ का, ये मैं अलग रखूंगी। वैसे मेरे पास कुकवेयर्स बहुत सारे हैं बट क्या करें, कुछ भी किचन का आइटम देखते के साथ ही लालच आ जाता है, तो ये मैं फिर रख दूंगी अलग साइड में, कभी कुछ अच्छा खाना बनाऊं तभी इसी में बनाऊंगी, अभी रेगुलर यूज इसको नहीं करूंगी मैं। तो देन मैंने मंगवाया अपने लिए, मेरे पास एक मरून कलर का टी शर्ट है जो आप लोगों को बहुत टॉप है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, तो उसी का ही सेम मैंने एक कलर ब्लैक कलर का मंगवाया है ये वाला। तो बहुत लोगों ने मुझे इसका लिंक पूछा था, तो इसका लिंक मैं अब डाल सकती हूँ, उसमें प्राइस भी लिखा है शायद,
ये तो 1499 कुछ लिखा है, बट आई डोंट थिंक इतना आया है, ये कुछ कम ही आया होगा। तो ये वाला टॉप एक लिया है। देन मैंने अपने कुशन, जो कुशन है उस जो सोफे के ऊपर जो कुशन है उसके लिए ये वाला कवर लिया है, कुशन कवर, 5 का सेट है ये। देन यहाँ पे मैंने हनी बनी के लिए कुछ साथ ये फुल पैंट्स लिए हैं, ऐसे नॉर्मल वाले लिए हैं, ये ऐसे 5 कलर्स है इसमें। एक्चुअली मैं कुछ दिनों के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी उनका मैं ऑलरेडी वो पॉटी ट्रेंड है, बट मैं जो सूसू ट्रेंड टॉयलेट ट्रेंड उनको करना चाहती हूँ, तो उस वजह से मुझे कुछ शायद ऐसे कॉटन पैंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार फिर वो पैंट्स धुलेंगे सूखेंगे नहीं, मोटा जीन्स वगैरह पहनेंगे तो वो नहीं होगा, इस वजह से मैंने ये 5 ऑर्डर किए थे। फुल भी रहेगा तो अच्छा है। एंड एक मैंने ये मेला ग्लो करके क्रीम आता है, वो मैंने एक्चुअली मैंने ये यूज़ नहीं किया है, मैंने एक यूट्यूबर से ही सुना कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, किसी कहीं पे भी दाग धब्बे हो जाते हैं ना पिंपल्स के या कुछ के, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। ये मैं यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू आप लोगों को बताऊँगी। ये मेला ग्लो मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो एक बार मैं यूज़ करूँ, अगर मुझे अच्छा लगा देन इसका रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यही मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, एंड कुछ हाथ सामान पापा मम्मी इंडिया से लेके आए थे जो मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने बस खाने पीने की आइटम शेयर की थी, मैंने सोचा कि जिस दिन अमेजोन का हॉल बनाऊँ तो उसी दिन शेयर करूँगी। मैंने बोला था कि हनी बनने के लिए दो कुर्ते, वाइट कुर्ते लेके आने के लिए, तो यहाँ पे वाइट कुर्ते ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, जैसे इस टाइप के कुर्ते ना करीब आ जाएंगे आपको 5,000-6,000 के, जो कि इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है। तो जब वो छोटे थे तब पापा मम्मी ने एक दिया था, वो अभी छोटा हो गया था, मैंने बोला कि इस बार लेके आने के लिए, तो दो आए हैं जुड़वा। एंड और मैंने कुशन कवर, क्योंकि दिल्ली सरोजिनी नगर में बहुत अच्छा कुशन कवर मिलता है, तो मैंने पापा मम्मी को बोला था, तो वो ये वाला कुशन कवर है, ये वेलवेट का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये जो मैं लेके आई हूँ अमेजोन से, ये मैं मतलब रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करूँगी, मतलब डेली यूज़ के लिए, वो मैं हटा दूँगी, बहुत दिनों से वो है, तो ये मैं रेगुलर यूज़ करूँगी, बाद में कभी डालूँगी, अभी फ़िलहाल नहीं डालूँगी। एंड ये मैं रखूँगी कभी पार्टी वार्टी वगैरह में यूज़ करूँगी, ये वेलवेट है, ये ज़्यादा टाइम वॉश नहीं हो सकता है। एंड मैंने अपने लिए बोला था एक नाइटी लाने के लिए, सिफोन का नाइटी, मुझे बहुत पसंद है सिफोन का नाइटी, तो एक सिफोन का नाइटी लेके आया। मुझे डाउट था क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही ना, सर्दियों में दिल्ली में ये सब नहीं मिलते, फिर वो उलन वाले नाइटीज मिलते हैं, तो मुझे डाउट था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई डोंट थिंक वो खरीद के लाए, थिंक ये मेरे सिस्टर इन लॉ के पास था, उसने भेजा है या ऐसा कुछ हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मम्मी ने कुछ तो बताया था, तो जो भी हो मेरे पास आ गया है। तो बस ये है मेरा अमेजोन का शॉपिंग हॉल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, किसी को कुछ पसंद है तो ले सकते हो, एंड इसका रिव्यू मैं पक्के से आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस चलिए फिलहाल मैं ये सब अच्छे से थोड़ा धो के रख देती हूँ, कल सुबह मैं जो खाना वाना बनाऊंगी तो उसकी तैयारी, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, हनी बनी आ जाएंगी, उसी दौरान जल्दी जल्दी करना पड़ता, तो जो आज से करके रख सकते हैं तो वही मैं करके रख दूंगी। तो सी यू टुमारो। अभी मैं ओडिशा की एक रेसिपी मोंडा पिठा बनाऊंगी। अगर आप मास्टर शेफ़ देख रहे हो तो श्रुति श्री जो कि ओडिशा से है, उसने मोंडा पिठा बना के उस एपिसोड में उसने प्राइज जीता था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है, जितना आप पानी लोगे उस आधा आप सूजी लेना है आपको, तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, थोड़ा सा केसर ऐड किया है, एंड इलायची का पाउडर ऐड किया। घी ऐड करने से जो सूजी जब हम डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, वैसे भी मैंने नॉनस्टिक बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, एंड चीनी भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा, करीब मैंने 2 स्पून चीनी ऐड किया है। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा, जितना हमने पानी लिया था उसका आधा हम लोग सूजी लेंगे, मुझे
कंसिस्टेंसी पता चल गई तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ पानी को चलाते रहना है, जैसे आप लोग उपमा बनाते हो ना वैसे ही चलाते रहना है, लम्स नहीं पड़ने देना है। एंड इसको अच्छे से कुक करना है, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, करीब 3 से 4 मिनट, 3-4 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में कुक हो जाएगा। देन इसको, ये अच्छे से कुक होने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा के करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि वो स्टीम में बाकी जितना भी बचा होगा बाकी वो स्टीम में ही कुक हो जाए। 10 से 15 मिनट स्टीम में रखने के बाद अभी मैं उसको निकाल दूंगी हल्का सा ठंडा करने के लिए। तो उसको प्लेट में मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि जो सूजी है वो चिपकने का चांस रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रीस किया है मैंने घी से। देखिए पैन में बिल्कुल भी चिपका नहीं है, अच्छे से निकल के आ गया है। तो हल्का सा हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे, देन हम लोग स्टफिंग बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, 1 छोटा चम्मच घी लिया है। देन इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रेटेड कोकोनट, अगर आप चाहें तो इसके साथ में थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं, देन नट्स वगैरह जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, वो सब भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं जैसे बेसिक वाला जो है वैसा ही बना रही हूँ। तो ग्रेटेड कोकोनट लिया है, उसके साथ में शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, गुड़ भी आप लोग ले सकते हैं, कैडमम पाउडर, इलायची का थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा केसर लिया है। बस इसको भी करीब 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा रोस्ट करना है, जब तक ये जो शुगर जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। देन इसको भी हम लोग निकाल के साइड कर लेंगे, दोनों को ही हम लोग ठंडा कर लेंगे, हल्का सा वॉर्म ही रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, वॉर्म। देन यहाँ पे मैं खीर की तैयारी करूँगी, उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। घी ऐड करने से आपका जो खीर है नीचे लगने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। देन शुगर ऐड करूँगी थोड़ा सा, ताकि कलर अच्छा आए खीर में। पे देखिए शुगर का कलर चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर का हो गया है। तो आपको जितना भी दूध लेना है आप दूध ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 लीटर दूध लिया है मैंने। तो घी एंड ये जो चीनी ऐड करने से इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है खीर का। देन यहाँ पे मैंने चावल लिया था, बासमती चावल, लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल, अगर आप चाहें तो खीर का चावल भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा ऐसे बासमती चावल लेती हूँ, उसको आधा घंटा सोक कर देती हूँ, देन उसको ऐसे हाथ से मसल लेती हूँ एंड ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बासमती चावल से बहुत अच्छा खुशबू आता है, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ, देन इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर देती हूँ। दूध में उबाल आ जाएगा, उस पर हम लोग चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे 3/4 कप लिया है 3 लीटर दूध के साथ में। बस अभी कुछ नहीं करना है, इसको चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ किया है, साथ में थोड़ा सा घी भी ऐड किया था, तो उस हिसाब से मैंने, मुझे लगा 1 घंटा लगा खीर बनने में, तो उस दौरान मैंने 3 से 4 बार उसको चलाया होगा। अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ नहीं कर रहे तो उसको थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहना है। तो जब तक चावल पक रहे हैं खीर में, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें थोड़ा सा घी मैंने ग्रीस किया एंड जो सूजी हमने रखा था वो हल्का सा वॉर्म हो गया है, बिल्कुल ठंडा होने तक वेट मत कीजिएगा, वॉर्म ही होगा। और उसको हम लोग थोड़ा सा गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, ताकि उसमें लम्स ना रहे। तो अभी हम पीठा को शेप देंगे, तो यहाँ पे मैंने एक लोई टाइप का ले लिया है एंड उसको अच्छे से राउंड शेप करके देन उसको फ्लैटन कर देंगे। जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं पीठा वगैरह बनाने में, वो एक बहुत अच्छी सी कटोरी बना लेते हैं, जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते टाइम वैसे कटोरी टाइप का बनाते हैं, वैसे बना के स्टफिंग इसके अंदर हम लोग भर देंगे एंड उसको अच्छे से सील कर लेंगे। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक होगा तो ऑयल में डालते के साथ ही ये फट जाएगा या खुल जाएगा। तो मैंने बहुत बार बनाया है, मतलब मुझसे वो कटोरी तो नहीं बनती है, बट मैं उसको अच्छे से सील कर देती हूँ, कभी भी मेरा आज तक फटा नहीं है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे क्रैक आ गया है, कुछ आ गया है, तो जैसे जुगाड़ लगाते हैं थोड़ा सा, आप लोग उसमें पैच डाल के उसको ठीक कर सकते हैं, उससे फिर वो फटेगा नहीं, अच्छे से बन के आएगा। एंड वहाँ पे थोड़ा सा और सूजी जो हमने रखा था वो मैंने लिया है एंड वो जो हमने स्टफिंग बनाया था उसको मैंने मिला दिया है एंड साथ में ही गूंद लिया है ऐसे ही। ये मैं ऐसे ही फ्लैट टाइप का जो पीठा होता है वैसा बना दूंगी, ये बच्चों को खाने में थोड़ा इजी रहता है। हनी बनी मोस्टली जब भी मैं ऐसा राउंड शेप का बनाती हूँ उससे ज़्यादा ये फ्लैट टाइप का जो होता है ना वैसे उनको खाना पसंद है, तो मैं उनके लिए वैसे ही कुछ हाथ बना देती हूँ। और ये बनाना बहुत ईजी होता है, वो उसमें स्टफिंग भर के, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है,
टेस्ट वो ज़्यादा बेटर लगता है, ये थोड़ा सा कम मीठा लगता है एंड बच्चों के हिसाब से ये ठीक होता है। यहाँ पे देखिए चावल बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने केसर ऐड किया है। केसर से अच्छा कलर भी आएगा और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमेशा चावल कुक होने के बाद ही आप मीठा ऐड कीजिएगा, नहीं तो चावल जो कुक होने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड किया है 400 ग्राम। कंडेंस मिल्क से बहुत एक अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आता है खीर में, एंड खीर जो है वो बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि दूध को ये थोड़ा सा थिक कर देता है जल्दी। अगर आप चीनी यूज़ करें देन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको कुक करना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अच्छा आने के लिए। सो टोटल खीर बनने में मुझे 1 घंटा लगा, एंड कितना अच्छा क्रीमी सा बहुत यम्मी सा खीर बन के रेडी है, ट्राई करना, बिल्कुल बनता है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा कैडमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर ऐड करूँगी, एंड अपने पसंद से आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सारे पीठा को मैंने शेप दे दिया है, एंड यहाँ पे ऑयल भी गर्म होने के लिए बिठा दिया है। बस थोड़े से अभी मैं फ्राई कर लूँगी पहले पूजा के लिए, देन बाद में बाकी सारा मैं फ्राई करूँगी। तेल बिल्कुल ही गर्म होना चाहिए, अगर तेल थोड़ा सा ठंडा हो तो ये फट जाते हैं। तो बस इसको हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग। तो जब तक मेरे पीठा जो है वो फ्राई हो रहा है, मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, पंचफोरन लिया है, फ्लैट बीन्स लिया है, एंड उसके साथ में अरबी एंड आलू लिया है। उसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी नमक एंड हल्दी ऐड करके, करीब 2 से 3 मिनट तक ढक के कुक कर लूँगी। हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें मैं एक टमाटर ऐड कर दूँगी, एंड टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक कर लूँगी करीब 2 से 3 मिनट तक। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे मैं यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, मस्टर्ड पेस्ट में मैंने गार्लिक यूज़ किया है खूब सारा, देन यहाँ पे मस्टर्ड सीड एंड रेड चिली का पाउडर, रेड चिली को ग्राइंड कर दिया है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें हल्का सा ग्रेवी रहता है, सेमी ग्रेवी टाइप का, पानी के हिसाब से थोड़ा सा और नमक डालेंगे एंड इसको ढक कर 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। पे लंच बन के रेडी है। यहाँ पे यम का भरता बनाया है, उसमें छोंक लगाया है पंचफोरन, गार्लिक एंड रेड चिली का। देन यहाँ पे मूंग दाल बनाया है सिंपल सा, उसमें भी वही हींग, गार्लिक, रेड चिली एंड करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स का तड़का लगाया है। देन वो जो हमने फ्लैट बीन्स बनाए थे उसकी सब्जी है, एंड उसके साथ में राइस है। बस ये है आज का हमारा लंच, एंड पीठा वगैरह सब रेडी है अभी। We give to Mata Rani, okay? Patha, patha diyo. Mata di. Patha diyo. Mata di. Dugle, patha mag. Come here. Arati kori. Arati, hand hold. Yeah, hold slowly, okay? Ghanti baja, banu. Jai Mata di. जय माता दी, है ना? फिनिश फिनिश कोज गिन नहीं। वैम्पायर वैम्पायर कहीं हसीबो बेबी। जय माता दी, माता रानी होती ना, वैम्पायर कहीं हसीबो। ओके आई गोइंग फायर इज गोइंग, फायर इज गोइंग, नम केमती करते तुकु तले 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 मुंड माड़ी ये कौन नम भल से मुंड माड़ी। हाँ
See, like this. How mama is doing? See, like this, like this. ठाकुरों को ठाकुरों साढ़े आठ बजे हनी बनी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम दोनों गए थे उनके लिए नया जो कुछ भी नोटबुक एंड पेंसिल वगैरह लाने के लिए वो पूजा करने के लिए। देन मैंने 8:30 बजे काम स्टार्ट किया था, चाय से स्टार्ट हुआ, चाय देन पिट्ठा, सबका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ होके 12:30 बजे कंप्लीट हुआ सब कुछ। बस हनी बनी खाएंगे, अभी खिला दूंगी उनको। पापा मम्मी वगैरह तो आई थिंक लेट खाएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट ही सबने लेट किया है, तो एंड उसके बाद फिर वो पीठा वगैरह थोड़ा थोड़ा खा लिया, आई थिंक 2:30 बजे वो लोग खाएंगे। एंड यहाँ पे भी अच्छे से सरस्वती पूजा सेलिब्रेट होता है, जैसे 500-600 लोगों की गैदरिंग होती है, पूजा होता है, पंडित जी आते हैं एंड प्रसाद सेवन होता है। तो हम लोग हर साल जाते हैं, लास्ट ईयर सरस्वती पूजा वाले दिन ही हमने हनी बनी की पढ़ाई की शुरुआत की थी, बट इस साल नहीं जा पाएंगे क्योंकि जीत नहीं है। तो एंड इन दोनों को बाकी सबको लेके टैक्सी में जाना वापस आना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं नहीं जाऊँगी। देखती हूँ अगर हमारे कोई फ्रेंड जाते हैं उनके साथ अगर जा पाऊँगी तो फिर जाऊँगी, वरना जीत गए हैं एक्चुअली रसल कैमा उनके ऑफिस से सब लोग ही गए हैं, जो बीच बीच में होता है महीने दो महीने में कि हाँ मतलब जाते हैं, थोड़ा रिक्रिएशन होता है, पार्टी वगैरह करते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ता है एम्प्लॉयज़ के साथ में, साथ ही साथ मोटिवेशन थोड़ा मिलता है काम करने के लिए। जीत भी जैसे एक टीम हैंडल करते हैं तो वो अपनी टीम को भी महीने में एक बार कहीं ना कहीं लंच या डिनर पे लेके जाते हैं, उससे क्या होता है आप पर्सनली इंटरेक्ट भी करते हो एंड थोड़ा माइंड चेंज होता है तो काम करने के मोटिवेशन मिलता है, तो इस वजह से वो गए हैं। कल सुबह जाके आएंगे, तो आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, कल कहीं ना कहीं जाएंगे। तो हम हाउसवाइफ का ऐसे होता था कितना अच्छा होता था कि आई थिंक महीने में एक बार ही सही, बट ऐसे ही मौका मिले कि हाँ तुम बिल्कुल चिल करो, रिलैक्स करो, कुछ काम का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, घर से दूर पूरा, क्योंकि घर के अंदर तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। अभी जब तक अभी मैं अपना बोलूँगी, अगर हनी बनी मैं जीत अगर मुझे बोल भी देना कि तू जा कहीं पर अकेले और मैं पूरा संभालूँगा, फिर भी मेरा माइंड यहीं पे रहेगा। मैं पता नहीं, बचपन से मैंने जॉब ही क्विट किया हनी बनी की वजह से, अगर मेड के भरोसे मैंने उनको नहीं छोड़ा, अभी ऐसा एक बन गया है कि मैं शायद किसी के भरोसे, जब तक वो खुद से हाथ से नहीं खाते हैं अपना खाना या सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा करते हैं बट फिर भी हर चीज़ बोलते नहीं हैं, तब तक मैं किसी के भरोसे उनको छोड़ के नहीं जा सकती कहीं पे भी। मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। जीत के ऊपर, किसी, मेरी मम्मी, मदर इन लॉ, मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती कि मैं छोड़ के जाऊँगा, मेरा ऐसा हो गया है। और मेड तो दूर की बात है, तो अभी तो फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है, बट अगले 5-7 साल में अगर ऐसा होगा कि हाँ एक दिन रिलैक्स करने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा ना, क्योंकि 24 घंटा सेम चीज़। वीकडेज में फिर भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ तुम्हारा एक रूटीन रहता है, इतने बजे उठोगे, इतना बजे ये काम, वो काम, वो काम, बट वीकेंड्स ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं आजकल। जैसे पहले क्या होता, जब जीत और मैं थे खाली, तो हम लोग मैगी बना के खा लिया, सैंडविच खा लिया, कहीं बाहर खा लिया, चल जाता था। अभी जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं तो
प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, फिर डिनर की प्रिपरेशन करो, फिर घूमने फिरने जाओ, फिर आके डिनर मतलब बनाओ, रोटी वगैरह बनाओ, फिर खाओ। तो वीकेंड ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल। अपने लोगों ने नोटिस किया होगा वीकेंड्स में मेरा ब्लॉग इधर आता नहीं है। अगर आता है, पहले से मैंने शेड्यूल किया होता है तो ही आता है। एंड बट मैं बिल्कुल भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, ना इवन मैं हार्ट तक सेंड नहीं कर पाती, मैं फ़ोन ही देखती नहीं हूँ, तो कहाँ से मैं क्या करूँगी। तो बस यही है। एंड ये है मेरे सरस्वती पूजा का ड्रेस जो मैंने लास्ट टाइम जो मम्मी आई थी, जो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, 299 का था शायद, 299 रुपीज़ का। तो वो मैंने पहना है, बट थोड़ा खीर गिर गया तो इसको अभी चेंज करूँगी। एंड लॉन्ड्री बहुत पड़ा है तो लॉन्ड्री बैग पूरा फुल हो गया, अभी लॉन्ड्री के लिए कपड़े डालूंगी। बस यही काम है, छोटे मोटे थोड़े बहुत काम है। हनी बनी को सुला कर थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि शाम को फिर उठने के बाद फिर डिनर की प्रिपरेशन चलेगी। सोच रही हूँ आज घुगनी ही बना दूंगी, सिंपल ओडिशा का जो घुगनी है वही बना दूंगी। सो होप आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हनी बनी कैसे लग रहे थे मुझे ज़रूर बताना। जो पापा मम्मी ड्रेस लाए थे वही मैंने पहनाया था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है वो, तो मैंने अभी उतार दिया है। आई थिंक 2-3 महीने के बाद और उनको फिट आ जाएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।